नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरनीत कौर कोहली, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो ना ही बच्चों को, बड़ों को, किसी भी उम्र के लोगों को छोड़ती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी उम्र को देख के वो आए, ये किसी भी उम्र में आ सकती है, जैसे कि शुगर या ब्लड प्रेशर। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन एक मूड का डिसऑर्डर है। लो मूड में रहने को डिप्रेशन बोला जाता है। अब कैसे कहा जाएगा कि मुझे डिप्रेशन है या नहीं, या मैं सोच रहा हूँ मुझे डिप्रेशन है? मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स आपसे डिस्कस करूँगी जो डिप्रेशन के होते हैं। पहला सिम्टम, हर वक्त मुझे लगना मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, आई एम वर्थलेस। पहला सिम्टम डिप्रेशन का। दूसरी चीज़, अगर किसी इंसान का वजन एकदम बहुत कम हो जाए, जैसे 8 से 10 किलो, या उसका वजन बहुत बढ़ जाए, जैसे 8 से 10 किलो बहुत ही थोड़े दौरान में, तो वो भी एक डिप्रेशन की निशानी है। नींद ना आना या सारा दिन सोते रहना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। और भी ऐसे अन्य साइन हैं डिप्रेशन के, जैसे हर वक्त रोते रहना, बिना मतलब रोते रहना, सोचते रहना क्या होगा मेरा आगे जाकर, बंद कमरे में बैठे रहना, बाहर ना निकलना, लोगों से ना मिलना। अगर इस तरह के आपको साइंस कम से कम 15 दिन के लिए रोज आते हैं, और इनमें से सारे होने ज़रूरी नहीं है, 2 या 3 चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई हैं उनमें से अगर आपको लगती है, तो आपको आवश्यकता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। अब ये है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट करता क्या है। जो एक डिप्रेशन है वो अन्य प्रकार का होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड डिप्रेशन जैसे कि अक्सर बच्चों को हो जाता है, पढ़ाई का बोझ, पढ़ाई नहीं हो रही, टेंशन लेके बैठ गए हैं, पेपर आ रहे हैं, एक बंद कमरे में बैठ जाएंगे, या फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, बिल्कुल मन उदास कर लिया, या कई बार ऐसा होता है कोई ऐसी फैमिली में डेथ हो जाती है जिसके कारण हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसे अन्य प्रकार की चीज़ें हैं। स्पेशली कोविड के दौरान तो हमने इस बीमारी को अपने आसपास बहुत देखा है, बट क्या हमने इसका इलाज किया है या हम घर में ही इसका इलाज कर रहे हैं? हमें इसका इलाज ज़रूर लेना चाहिए। माइल्ड डिप्रेशन जो होता है वो एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से ठीक हुआ जा सकता है। उसमें होता क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उसके पास अन्य प्रकार की थेरेपीज़ हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस और मसल रिलैक्सेशन थेरेपी। इनकी मदद से वो आपको डिप्रेशन से बाहर ला सकता है, और डिप्रेशन से बाहर लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर वो माइल्ड है। अगर आपका डिप्रेशन महीनों, सालों साल पुराना है और आपने इसके लिए कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो आपको साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की मदद पड़ सकती है, जिसमें कि साइकियाट्रिस्ट आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ भी दे सकता है और उसके साथ साथ आपको काउंसलिंग के कुछ सेशंस साइकोलॉजिस्ट से लेने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं आपसे कि ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है। हमारे ब्रेन में कई तरह के केमिकल्स हैं, न्यूरल सर्किट्स हैं, केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाता है। हमारे को कुछ अच्छे केमिकल्स की ज़रूरत है खुश रहने के लिए, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन। अगर इनकी मात्रा हमारे ब्रेन में कम हो जाएगी स्ट्रेस के कारण, तो क्या होगा, हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो हमें इन केमिकल्स को कई तरीकों से ठीक करना पड़ता है। दवाई से भी ठीक कर सकते हैं, काउंसलिंग लेके भी ठीक कर सकते हैं, रिलैक्सेशन से भी ठीक कर, ये हमारी मर्जी है हम किस स्टेज ऑफ लाइफ में डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। स्पेशली मैं औरतों की बात करूँगी, औरतों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हार्मोनल इश्यूज आपने सुने होंगे। उनके जो महीने में कई ऐसे डेज होते हैं जिनको में उनको स्ट्रेस हो जाता है, प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस हो जाता है, और कई बारी वो उसको लेके ही बैठ जाती हैं, सोची जाती हैं गुस्सा क्यों चढ़ रहा है, और ऐसे अन्य प्रॉब्लम। स्पेशली जब एक बेबी का बर्थ होता है जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, उसमें क्या होता है कि लेडी को बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, मैं वर्थलेस हो गई, मैं किसी काम की नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है उसकी बॉडी इमेज चेंज हो जाती है, उसके कारण बहुत सैड फील करने लग जाती है। उसको ज़रूर दिखाना चाहिए आपको साइकोलॉजिस्ट को, उसकी थेरेपी दिलवाओ, उसको ठीक करने में उसकी मदद कीजिए। और ऐसे कई चीज़ें होती हैं लाइफ में, एक लेडी की अबाउट 45-50 ईयर्स के पास, मेनोपॉज के पास, प्री मेनोपॉजल कुछ ऐसे साइंस होते हैं
जिसके कारण उनको डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन। आपको उनको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, उससे सेशंस लेकर उनकी थोड़ी सी थेरेपी करानी चाहिए जिससे कि उनकी एंग्जाइटी डिप्रेशन रिलीव हो जाए और वो डिप्रेशन में ना जाए। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में साइकोलॉजिस्ट हूँ और 10:30 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे तक अपने सेशंस देती हूँ थेरेपी के। अगर आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप ये नीचे लिखे अन्य नंबरों पे कंसल्ट करके कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।